वैल्यू ऑफ साइन इन वर्स वन अपॉन एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस कॉस इन 1 वन अपॉन एक्स टू प्लस वन अपॉन एक्स थ्री माइनस टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स थ्री प्लस वन अपॉन एक्स वन की वैल्यू क्या होगी यू नो एक्स थ्री माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री पी एक्स माइनस टू पी इक्वल टू जीरो कितने रूट्स दिए हुए हैं थ्री रूट्स दिए हुए हैं और आपको पता है कि क्यूबिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं थ्री रूट्स होते हैं तो यू नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला आप जानते हो कि एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री क्यूबिक में क्या फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए तो माइनस माइनस सिक्स मतलब प्लस सिक्स हो गया एंड यू नो एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स टू एक्स थ्री प्लस एक्स थ्री एक्स वन इज इक्वल टू सी अपॉन ए एट इज द थ्री पी एंड एक्स वन इंटू एक्स टू इंटू एक्स थ्री इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस डी अपॉन ए तो माइनस माइनस टू पी अपॉन वन तो किया क्या हो गया टू पी क्लियर है अब देखो इन तीनों को सॉल्व कैसे करोगे तुम कहोगे सर इसकी वैल्यू उसमें डालो उसकी वैल्यू इसमें डालो बहुत मुश्किल है तब इसके लिए एक प्रॉपर्टी यहां पे यूज करेंगे पर मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन यस और नो मैंने बताया था दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू यू नो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन थ्री हारमोनिक मीन इज इक्वल टू थ्री अपॉन वन अपॉन एक्स वन प्लस वन अपॉन एक्स टू प्लस वन अपॉन एक्स थ्री यस और नो अब इसे सॉल्व कर लीजिए और सब इंस्टीट्यूट कर दीजिए इसमें सो यू नो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन थ्री इज इक्वल टू थ्री इंटू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एल्सियम निकाल लिया मैंने और इसी को देखो एक्स वन प्लस एक्स टू इस तरह का आएगा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं समेशन ऑफ एक्स इंटू एक्स टू इसका देखो समेशन ऑफ एक्स वन इंटू एक्स टू का मतलब क्या हुआ एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स टू एक्स थ्री प्लस एक्स थ्री एक्स वन इसी को मैंने शॉर्ट में इस तरह से लिखा है अब देखो X1 plus X2 plus X3 की वैल्यू कितनी है टू पी समन ऑफ एक्स वन एक्स टू की वैल्यू कितनी है जनाब थ्री पी अब देखो थ्री एंड थ्री इज कट थ्री वन जा थ्री थ्री टू जा सिक्स यस और नो अब यहां पे हम एक चीज और गौर कर रहे हैं ठीक है कि यहां जो x की वैल्यू होगी दिस इज दी पी एक्स ना तो अब देखो p p कैंसिल अब टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू यस और नो तुम कहोगे सर ग्रेटर देन तो हो ही नहीं सकता ना तो एक ही चीज हो सकती है कि टू इज इक्वल टू टू इसका मतलब क्या हो गया कि आर्थमैटिक मीन इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन इन दिस कंडीशन ठीक है अब जब आर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन दोनों आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि सारे टर्म्स इक्वल हो गए थ्री इज इक्वल टू टू यस और नो अब सबकी वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा साइन इन वन अपॉन एक्स वन दैट इज द वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन एक्स टू वन अपॉइंट टू प्लस कॉस इनवर्स वन अपॉइंट टू प्लस वन अपॉइंट टू माइनस टेन इनवर्स वन अपॉइंट टू प्लस वन अपॉइंट टू वन अपॉइंट टू प्लस वन अपॉइंट टू वन और साइन इनवर्स वन की वैल्यू क्या होती है पाई अपॉइंट टू कॉस इनवर्स वन की वैल्यू क्या होती है जीरो टेन इनवर्स वन बाय टू प्लस वन बाय टू यू नो वन टेन इनवर्स वन की वैल्यू कितनी होती है दिस इज पाई बाय फोर अब एलसीएम निकाल लीजिए फोर तो टू पाई माइनस वन पाई बिकम पाई अपॉन फोर दिस इज योर आंसर ऑप्शन इज ए नंबर क्लियर है